सादर प्रणाम। हम सबके लिए गौरव और गर्व की बात है कि परम पूज्य अवधेशानंद गिरी महाराज जी का पदार्पण रायपुर शहर छत्तीसगढ़ में हो रहा है और यहाँ पर उनकी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। वे भागवत कथा नहीं करते हैं, वे प्रवचन करते हैं और वे अपने को मोटिवेशन देते हैं। मैंने सुना हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उनकी कथा शैली जो है वो सभी युवा और बुजुर्ग वर्ग के लिए बहुत ही रोचक और उत्साहजनक है। श्रीमद् भागवत कथा 5 नवंबर से 11 नवंबर 2016 तक आयोजित है। समय होगा शाम 4 बजे से 7 बजे तक और कार्यक्रम स्थल है इंडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब रायपुर। और देश की संस्कृति बचेगी तो ही देश बचेगा, तो संस्कृति की रक्षा के लिए हमने उनको खास विशेष बुलवाया। हम चाहते कि यहाँ का युवा वर्ग जो भी है अधिक से अधिक यहाँ पर आए, उनको सुने। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वे आए, इंडोर स्टेडियम में आए और ज्ञान रस की गंगा में डुबकी लगाएं। यह न केवल भागवत कथा का आनंद लेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि प्रदेश द्वारा आपको दिवाली के बाद की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि आपको गिफ्ट दिया गया है। इस अवसर को न चूके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको ज्वाइन करें। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप इनके कार्यक्रम यूट्यूब में लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। 5 तारीख से हम इसका लाइव प्रसारण यूट्यूब में भी करने वाले हैं। आप फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी पे भी, डिजिटल मीडिया पे भी इसका श्रवण कर सकते हैं। फिर से मैं आप सबसे सादर अनुरोध करता हूं कि पूज्य गुरुदेव अवधेशानंद गिरी महाराज जी के आगमन पर हम अधिक से अधिक शरीक होकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, रसपान करें और गुरु जी की वाणी में साक्षात सरस्वती विराजमान हैं। यह सब हमने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। फिर से मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करता हूँ।